देश की राजधानी दिल्ली के लोगों की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो रोजाना लाखों लोगों के सफर का साधन बनती है। राजधानी के लोग मेट्रो से अपना सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मेट्रो दिल्ली के लोगों की यात्रा को आरामदायक बनाती है। दिल्ली मेट्रो में हर उम्र का व्यक्ति यात्रा करता है, बच्चे हो या यूथ या फिर सीनियर सिटीजन। लेकिन दिल्ली की लाइफलाइन ये मेट्रो रविवार यानी 20 फरवरी को बंद रहेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले लोगों के लिए मेट्रो ने एक सूचना जारी की है। घर से निकलने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी होगा ताकि परेशानियों से बचा जा सके। रविवार यानी 20 फरवरी को कश्मीरी गेट से लेकर राजीव चौक तक मेट्रो नहीं चलेगी। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर बताया है कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर निर्धारित ट्रैक रखरखाव कार्य करने के लिए 20 फरवरी 2022 यानी रविवार की सुबह कश्मीरी गेट और राजीव चौक खंड के बीच राजस्व सेवाएं शुरू होने से सुबह 6:30 बजे तक ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी। चांदनी चौक, चावड़ी बाजार और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। वॉलेट लाइन के जरिए राजीव चौक और कश्मीरी गेट के बीच मेट्रो सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। यात्री केंद्रीय सचिवालय और मंडी हाउस में ट्रेन बदल सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के जो मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे उनमें चांदनी चौक, चावड़ी बाजार और नई दिल्ली शामिल है। दिल्ली मेट्रो में होने जा रहे मेंटेनेंस के कारण यात्रियों को थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए मेट्रो ने पहले ही यात्रियों को इस बात की जानकारी भी दे दी है। हालांकि राजीव चौक और कश्मीरी गेट पर वॉयलेट लाइन मेट्रो की सर्विस सामान्य रूप से चालू रहेगी। वहीं समयपुर बादली से कश्मीरी गेट और राजीव चौक से हुडा सिटी सेंटर पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन रविवार की टाइमिंग के अनुसार जारी रहेगी। इसके अलावा यात्री केंद्रीय सचिवालय और मंडी हाउस से कश्मीरी गेट मेट्रो बदलने के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्हें वॉयलेट लाइन का इस्तेमाल करना होगा। इधर येलो लाइन पर बाकी सर्विस अपने पुराने समय के अनुसार चलती रहेंगी। देखा जाए तो दिल्ली मेट्रो के रविवार को बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो अपना मेंटेनेंस और रखरखाव का कार्य रात में भी कर सकती थी क्योंकि रात के समय में मेट्रो सेवाएं बंद होती हैं, जिससे यात्रियों को कम परेशानियों का सामना करना पड़ता। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।